कौन है कलाकार? कलाकार होना इतना आसान बात नहीं है। हम लोग, मैं समझता हूं कि हम अभी भी कोशिश करते हैं कलाकार होने के लिए। हमने कलाकार उसको बोलते हैं जो कलाकार के साथ मिलके कुछ कला बनाते हैं, तो वो कलाकार है। कलाकार हमारे गुरु थे, हाँ पंडित किशन महाराज जी, पद्म विभूषण वो थे, बिरजू महाराज जी कलाकार थे, जो एक अलग दिशा दिखा के चले गए। आज लोग पंडित किशन महाराज जी जैसे बातचीत करना चाहते, कुर्ता पहनना चाहते, तबला बजाना चाहते, बिरजू महाराज जी की तरह डांसर लोग खड़ा होना चाहते, वैसे बातचीत करना चाहते, वैसे नाचना चाहते, वैसा सब कुछ, वैसे खाना, वैसे पीना, वैसे जिंदगी चाहते। इसको कहते हैं कलाकार। हम लोग अभी कलाकार हुए नहीं। कला को, जो अपनी कला को प्रतिष्ठित कर सकता है वो कलाकार। तो हम कहाँ कलाकार? सारा भारत में हमारा तबला थोड़ी बज रहा है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि असल बात तो यह है कि इमन चाहे 10 प्रकार तुम गाओ और चाहे 1 प्रकार तुम गाओ, तुम्हारी बातचीत, रहन सहन और देखने से जब पता चला जाएगा, चल जाएगा कि ये कलाकार है। किसी को बोलने की वो नहीं होगा, जरूरत नहीं होगा, भाई ये कलाकार है। देखने से, कलाकार देखने से पता चलता है कि ये कलाकार, उसकी कलाकार की हर अदा, हर अदाए में कलाकारी दिखता है। वो एक स्टेज में बैठ के रुमाल से मुंह भी पूछता है तो वो भी कलाकार, लोग देखते हैं कि वाह। तो इसको कहते हैं आर्टिस्टी, इसको कहता है कलाकारी। तो खाली आप ईमान गाले से और तान मारने से कुछ नहीं होने वाला। ये संस्कार है, ये हमारे जो पिता से, जो गुरु से जो संस्कार हम लोगों को मिला है, उसी में ये सारा आ जाता है। मतलब किसी को, अभी जैसे हमारे जो बड़े हो जाते हैं एक बार, मतलब बड़े मतलब कि कुछ 18-20 साल के बाद जो है, बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही किसी को चाचा, किसी को चाची बोल लेते। वो कैसे होता है? उसको बचपने से सिखाया जाता है कि बड़ों को इस तरह सम्मान दिया जाता है, उनके पीछे कुछ चाचा, चाची, मासी, मेरे से कुछ बोलना पड़ता है तो उनका उम्र के हिसाब से, उनका जो है और संपर्क के हिसाब से उनका एक सम्मान बनता है। तो ये हमारा संस्कार है। ये संस्कार जो है, ये हमारे गुरु ने, मेरे पिताजी ने, माताजी ने हमको बचपन से दे के दिया है सब। ये भारतीय संस्कार। अंग्रेज लोग अपने बाप को भी नाम से पुकारते, लेकिन जरूरत पर हमने अपने बाप का, अपने गुरु का नाम लेते हैं, माँ का नाम लेते तो कान पकड़ते। इसका अर्थ ये है कि उनका नाम, बड़ों का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। ये संस्कार। तो जो आपने सवाल किया है, उसका कारण खाली एकमात्र ये है कि हम भारतीय संस्कार ले करके बड़े हुए और भारत के संस्कार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये सब अपना हमारा वो संस्कारी रूप है। नहीं, उनका दिमाग नहीं गर्म था। उनका क्या था? उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग गार्जियनशिप। कोई कोई घर में देखिए, कोई किसी के, किसी किसी फैमिली में देखिएगा, पिता जो है, पिताजी जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो बहुत
बहुत स्वीट किस्म के आदमी है, धीरे से बात करते हैं, वो उनका कैरेक्टर है, लेकिन है वो हेड ऑफ द फैमिली। तो हमारे जो है गुरुजी जो है उनका कैरेक्टर जो था वो थोड़ा स्ट्रांग था, तो वो उनके वॉइस से वो स्ट्रांगनेस पता चलता, तो वो मीठा बात भी करते थे, तो उसी पर्सनालिटी के साथ, अरे कुमार ऐसा है कल चलोगे ना ये। लेकिन दूसरे पिता हो या गुरु हो शायद वो कहते थे इसी लैंग्वेज के कुमार कल थोड़ा जाना है हमारे साथ, बात एक ही है। लेकिन गुरुजी का कहने पर लोग गलत क्या समझे कि इसको समझना चाहिए कि इस तरह जो बात करता है इसके मतलब कि आपको वो बहुत ज्यादा अपना समझते हैं। या शिवेंद्र कल चलोगे ना हमारे साथ, वो उन्हीं को बोल रहे हैं ना जिनके ऊपर अधिकार है, तो जी उसमें वो अधिकार भी दिख जाता। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को डांट भी पड़ा है, प्यार भी हुआ, यार भी बोलते थे, सारे बातचीत होता भी था, और गलत करने से डांट भी पड़ता था, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, अरे उसको ऐसे करो, उसको ऐसे बजाओ। तो इसी तरह तो शिक्षा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हो रहा है, क्या कलाकार बनने के लिए, नाम करने के लिए, गाना बजाना करने के लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। ये काम फाइन आर्ट्स है, ये काम बहुत मुश्किल काम है। संगीत 16 कला के एकदम आखिरी कला में संगीत आता है, तो संगीत बहुत मुश्किल चीज है। इसलिए कलाकार बनने के लिए धीरज रखो, तालीम लिया करो, उसको चिंता में रखो, किए जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, ज्यादा आगे भी मत देखो। ज्यादा आगे दिख जाएगा तो अभी तुम जहां हो वो बहुत दूर दिखेगा। तो दिमाग का एक बैलेंस बना के रखो, जहां तुम हो उस जगह को अगर नहीं समझा, उस जगह का अगर तुमने महत्व नहीं दिया। इसलिए देखिए एक-एक बातचीत जो है बड़ों का, मुनियों का, मुनि ऋषियों का, उसका कई अर्थ निकलता है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि मैं वर्तमान में विराज करता हूं, मेरे पास ना भविष्य है और ना अतीत है। ये कहने का मतलब यही है कि जहां तुम अभी हो उसको पहचानो, उस जगह का महत्व तुम समझो कि तुम कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, फिर आगे का तुमको पता चल जाएगा कि तुमको क्या करना है। लेकिन तुम आगे का खाली सोचोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। वर्तमान को पकड़ो, अभी का देखो, अभी का सोचो, और अभी तुम्हारे जो करना है वो काम करो, वो चाहे खाना पीना हो, चाहे ठीक समय पर सोना हो, चाहे गुरु सेवा हो, सारे बातचीत जो है अभी का समय जो तुमको करना है वो अभी करो, वो कल के लिए मत सोचो, वो कल के लिए मत छोड़ो। और कल की बात जो है वो कल करना चिंता अभी मत करो, सब होता जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम
छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।